हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस हमारे साथ है भाई इशू और भाई समर आपका। गाइस अभी हम टेस्टिंग करा रहे थे भाई साहब, ये हमारे पहुंची भाई भाई प्रॉब्लम ये होगी भाई, देखिए इस बैटरी में भाई तो धुआं निकल रहा है, ये बैटरी गाइस बिल्कुल गई, ये तो भाई इतनी हीट हो रही है गाइस, ये बैटरी फट सकती है। तो गाइस बड़ी दिक्कत है भाई, हम कोई टूल नहीं लेकर आए हैं, गाइस बैटरी तो सारी हीट हो रही है भाई साहब। लेकिन भाई ये बैटरी ज्यादा गड़बड़ कर रही है, ये निकल जाए ना पार्ट हो गया। हाँ भाई ये ऐसे टूट जाएगी। दिक्कत है यह है कि हम कोई प्लान नहीं लगाए। रुक जाओ अमन भाई, बाइक में से कपड़ा लेगा जल्दी। गाइस इतनी हीट हो रही है भाई, हम इसे पकड़ भी नहीं सकते। देखो भाई देखो नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, जो बात है देखो यार, बिल्कुल देखो स्मूथ, ये रहा देखो चिपक नहीं, देखिए बिल्कुल हीट हो रही है। देखो भाई साहब भाई बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। तो भाई अमन भाई लेकर आ रहे हैं क्या? हाँ कपड़ा, कपड़ा से पकड़ के इस बैट को खींचेंगे भाई, तभी निकल पाएगी, वरना गाइस इस बैट में रिस्क है, क्योंकि भाई साहब हमें घर भी जाना है। चाबी भी गर्म होगी। तो भाई साहब इसे पकड़ के खींचे, नीचे से ना होगी, वो जो तार अड़ गया होगा, ये जो तार यहाँ से दे रहा यार, बड़ी समस्या है। देख लेना कभी निनाले में जावे। जान दो भाई, सेफ्टी फर्स्ट। लो भाई साहब देख रहे हो, ओ भाई ये बैटरी गई पानी में, देखो भेजो भाई सब विसर्जित करो, ओ एकदम हो जाए। तो भाई अभी देखें क्या हो गया भाई, सारी बैटरी हीट हो रही है लेकिन अभी कूल हो जाएंगी, क्योंकि इसी बैटरी हट चुकी है, काफी परेशानी कर रही थी। तो भैया जब भी टेस्टिंग हो जाए सारे टूल गाइस जरूर लेके जाने चाहिए, काफी दिक्कत होती है जैसे गाइस होगी। तो भैया हम इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहे थे गाइस, शायद गाइस आपने नहीं देखी होगी, अगर गाइस आपने देख ली तो गाइस आपको बिल्कुल कंफर्म स्थिति पता लग जाएगी क्या हुआ एक्चुअल, अगर नहीं देखा देखो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई इस बैटरी को उठाओ, एक काम करो, कपड़े में ना ना कपड़े में आग लग सकती है, ये फिल्म शीट है इसमें आग नहीं लगती है, आग नहीं पकड़ती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे रखवाओगे? ऐसे रख दो जैसे रखी थी। तो यहाँ से बैटरी खराब हुई, ये स्विच में भी आग लग गई, मतलब ये स्विच खराब हो गया बिल्कुल। देखो ये जो वायर है ना अलग अलग रखना, बस चलो इसके ऊपर कुछ रख दो, कपड़ा रख दो। तो भाई अब हम चलते हैं स्टूडियो, टेस्टिंग हो चुकी है, आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं, आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइस थोड़ा एडवेंचर्स हो गया, थोड़ा सा मजा आया, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। तो भाई साहब ये रही बैटरी, भाई नुकसान हो गाइस काफी भारी, और कितना नुकसान हो गाइस ये हम अभी पता नहीं लगा सकते, पता नहीं मेरी शक्ल गंदी है, मेरा कैमरा गंदा, पता नहीं दोनों। तो भाई अरे वाह भाई, हाथ मिलाओ भाई, आपको कैसे पता? भाई बार बार क्यों? मैंने बता दिया। हाँ तो भाई साहब बहुत अच्छे में ऐसे इंसान चाहिए, अब इन्हें आप मुंह से छुड़ाओगे या सोल्डर आयरन लगाओगे? सोल्डर आयरन लगा दो, बहुत अच्छा, हमारा बीएमएस बच गया, ये भी यार काफी कॉस्टली बीएमएस है, वैसे मुझे पता नहीं बचा नहीं बचा, लेकिन मैं अंदाज से करूंगा, क्योंकि भाई साहब आपको एक बात बताऊं, भाई साहब ये क्यों बचा है मुझे कैसे पता, मैं आपको एक पर्सनल बात बता दूं, भाई मैंने सिर्फ डांट कर दिया था, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई बीएमएस कट मार रहा था भाई, ये पावर कट कर दे रहा था भाई, तो मैंने भाई डायरेक्ट बीएमएस का रोल ही खत्म कर दिया, इसलिए गाइस ये बैटरी खराब हुई, क्योंकि वो इतने हाई एम्पी ले रहा था मोटर कि भाई बीएमएस पे भी भारी पड़ रहा था, तो भाई साहब इसने हमारा बीएमएस बच गया, कोई बात नहीं भाई, लेकिन देखते हैं नुकसान गाइस हमारा काफी हुआ है गाइस, 100 रुपए की 4 बैटरी आती है, मतलब मोटा मोटा कभी 2 भी पड़ जाती है, कभी 4 पड़ जाती है, कभी 3 पड़ जाती है, इसमें हमारी बहुत सारी बैटरी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 49 बैटरी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 तो गाइस ये 49 बैटरी है, 4 बैटरी गाइस अगर आप 100 रुपए की मान के चलोगे ना, तो गाइस 40 बैटरी मोटा मोटा 1000 की होगी, 8 बैटरी और 1200 भाई, 2 बैटरी और 1250, मतलब मोटा मोटा भाई बता रहा हूँ, प्लस गाइस की ये भी सारे पॉइंट देख रही है, प्लस भाई कॉपर वायर बीएमएस, ट्रैक्टर या फोन तो मैं कुछ काम करूंगा। हाँ तो गाइस फाइनली भैया कैमरा कर लिया हमने सेट, सोल्डिंग आयरन हो गया है गरम, मुझे भाई फिकर हो रही है इसकी। हाँ बिल्कुल भाई, अरे तुम हाथ रखा था, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना भाई, हम बने तुम बने, एक दूसरे तो बिल्कुल बने, गलत है भाई साहब, बैटरी अभी ठंडी हो गई यार, 1 घंटा हो गया भाई रखे रखे, भाई यकीन मानिए भाई साहब हमने इससे काफी वीडियो बना दी है, मतलब काफी वीडियो भाई, इसकी हमने टेस्टिंग कर दी है या इससे हमने काम लिया है, अब भाई साहब ये थोड़ा आराम फरमाएंगी बैटरी, और ये हल्की हल्की हो रही है हीट, बहुत मतलब वार्म टाइप होता है ना, बहुत हल्का फुल्का सा ऐसा हो रहा है यार, अगर ये बैटरी खराब हो गई ना आज भाई बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा, तो तगड़ा तो खैर छोड़ो भाई, देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी कहीं सबसे पहले भाई इनके हम यहाँ पे जो सोल्डिंग है ना ये हटाते हैं, जो इसका सारा वायर है ना भाई, भाई डराना दिया तुम, डर गए, ये जो ना इसमें ऐसे लग गया था कुछ, बैटरी का लग तो रहा है, देखो भाई देखो भाई देखो भाई साहब पावर तो है भाई बैटरी में, लेकिन भाई साहब ये नहीं पता कि कितने बैटरी मतलब खराब हुई हैं, और गाइस एक बात और, इस बैटरी का हाल आपने देखा कैसा हो गया था, क्योंकि गाइस ये पॉजिटिव पट्टी आई थिंक यहीं से उसका वायर जला था, यहीं से वो बैटरी खराब हुई थी, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा लोड पड़ा था इस बैटरी पर, यहाँ वाली पे भाई कंडीशन ऐसी थी जब इसमें धुआं निकल रहा था, स्पार्किंग हो रही थी भाई, जबरदस्ती हमारे पास कोई टूल नहीं था भाई, जबरदस्ती हमने खींचे थे वो चीजें। चलो भाई साहब पहले फटाफट इस बैटरी के जो वायरिंग है वो सब पहले देख लेते, देखा ना भाई हुआ ना हुआ, इसे ओवर हीट पर रखा ना भाई, हमने जुगाड़ कर रखा, देखिए ये सोल्ड गारंटी ना हीट ओवर हीट दो
ऑन हो जाता है। मैंने कहा इसका व्लॉग बनाया था आपने, देखा होगा, हो गया। बढ़िया भाई, ये ओवर हीट हो रहा था गाइस, ये बहुत मस्त काम कर रहा है भाई। हमने BMS निकाल लिया इसका पहले, और भाई मैं इसका आपको रेट बताता हूँ, ये बैटरी से भी ज्यादा महंगा है, 1600 रुपए का अप्रोक्स गाइस। ये इसी कंपनी का है, देखो जरा सेम यही है ना, बॉक्स भी है और भाई ये भी यही है। वो बात लगा इसकी हमने मट्टी पलित कर रखी है, और गाइस सेम यही है। भाई साहब बच गया हमारा BMS, यानी कि 1600 बच गए, बचा लिया हमने। और भाई अगर ना बचाते तो गाइस उसकी टेस्टिंग भी नहीं हो पाती, वो मोटर चला के दिखाई नहीं पाते किसी भी तरीके से, या फिर हमें काफी हैवी ट्रक की बैटरी लानी पड़ती। ट्रक की बैटरी एक बंदा दे सकता, ला सकता है। भाई साहब आधे घंटे से इसकी वायरिंग छुटा रहे हैं, और भाई साहब सोल्ड का बाबा ठंडा, देखो भाई ये रहा, देखो काम ही नहीं कर रहा भाई, पगला खींचने पड़ रही भाई। सोल्डर कहाँ तक काम करेगा यार, इतनी मोटी वायरिंग है ऊपर से, गाइस काफी देर से लगातार काम कर रहा है। तो गाइस आप जानते हो हीट जो ट्रांसफर हो जाती है बैटरी के अंदर, तो भाई इसमें, अरे भाई उठाओ अभी से पकड़ लो, प्लायर से पकड़ लो, एक काम करो जाओ, ये थोड़ा यार गर्म होने दो। तो भैया पहले सोल्डर थोड़ा सा हीट होने देते हैं, उसके बाद फटाफट सारी वायरिंग फिर से हटाते हैं। तो भाई साहब लीजिए सारी वायरिंग इसकी हट गई, फिलहाल दम है भाई बैटरी में, वेट भी काफी ठीक ठाक है। तो भाई चलिए अभी से फटाफट डिसेंबल करते हैं। इतने सारे गाइस वायरिंग निकले, देखो कॉपर है, ब्रेक कहूंगा और इसका तेल डलवाऊंगा साइकिल में, चल झूठा। तो भाई निकालना काफी मुश्किल है, वो ये रहा कैसे निकलेगी, ये भाई हाथ में लग सकती है पक्का, डेफिनेटली। ये भाई साहब देखो नुकसान, और ये जो गाइस देख सकते हो ये जो 28-50 होल्डर है ये भी बेकार हो गए हैं सारे, ये भाई टूट के निकलेंगे गाइस, ये काफी हार्ड, और इसमें तो कुछ बचेंगे तो हम निकाल लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब टाइम को जब, जैसे आई थिंक भाई ये इसमें से जो, नहीं भाई ये टूट के ही निकलेंगे। हाँ तो भाई ये है सारी बैटरी, अरे मैया तो निकल भी नहीं रहा, ये रहा भाई निकल ही नहीं रहा, ये तो दिक्कत होती है। ये प्लायर से निकलेगा, ओ प्लायर भी स्पेशल है भाई हमारा। तो भाई फटाफट पहले इन सारे बैटरी को अलग कर लेते हैं। हाँ तो भाई साहब ये निकला है इतना सारा कबाड़ा, खैर गाइस में से कुछ ठीक होगा, ब्रैकेट तो हम ही रख लेंगे कभी टाइम मिलेगा तो, फिलहाल तो नहीं। तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ कपड़ा मारते हैं, हटना भाई जरा, सफाई बहुत जरूरी है, ऐसा कहना पड़ता कैमरे सामने, वैसे नहाना नहाना बात अलग है क्योंकि आजकल मौसम भाई ठंडा हो गया। मैया इसमें गिर गया भाई, पकड़ लीजिए फटाफट, लो भाई। तो भाई अब है मल्टीमीटर का जमाना, तो भाई देखते हैं कि कितना नुकसान इसमें हुआ है हमारा, कितनी बैटरी खराब है, कितनी बैटरी झंडू बाम हो गई इस चक्कर में। भाई रखते रहना फटाफट, ये बैटरी ठीक है, फुल चार्ज है, कमाल हो गया, फुल चार्ज चार्ज ठीक है, ये बैटरी वीक हो गई थोड़ी ना, सही है ठीक है, ये तो भाई जादू से लग रहा है, ठीक है ये वीक हो गई बैटरी ना ना, ये भी ठीक है, क्या बात होगी यार, बात मुठ रही है, सो रही है क्या है, ठीक है गाइस। वैसे मैं ये बैटरी फुल रिचार्ज करके ले गया था जब मैं टेस्टिंग गया था, फुल चार्ज 4.1 पर, वैसे 4.2 फुल चार्ज होती है लेकिन फिर भी चल जाएगा 4.1, यानी कि ये अच्छे तरीके से चार्ज है, चार्ज है। तो भाई फटाफट मैंने पहले अच्छे से चेक कर लेता हूँ फास्ट स्पीड पर, पैसे बच गए, मतलब नुकसान तो हुआ लेकिन भाई कम हुआ, स्विच खराब हुआ, और भाई इनमें से ऐसे भी तीन बैटरी वीक है, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो गई है, लगभग 1.7-1.8 इतना वोल्ट है। तो भाई इन्हें चार्ज करके देखनी पड़ेगी और उसके बाद भाई इसकी टेस्टिंग होगी। भाई सारी जो बैटरी है सबके मैंने अच्छे से टेस्टिंग करके लगाई थी, जो भाई हीट भी उठने जाते उस बैटरी का मैंने उस वक्त निकाल जाते थे, भाई बैटरी बना रहा था। तो भाई ये सारी A1 बैटरी है, तो भाई इसमें से तीन बैटरी खराब निकली, तो भाई ये 46 बैटरी ठीक है, और भाई एक बैटरी ने वही फेंक दी थी बाहर, तो भाई ये 45 बैटरी है, हो सकता है एक आध कम हो क्योंकि गिरने की आवाज आई थी लेकिन भाई बैटरी मिली नहीं है, हो सकता है इससे 44 बैटरी हो। तो भाई सही है, पैसे बच गए गाइस और काम भी हमारा हो गया, खैर जो बात है तीन बैटरी का दुख है लेकिन भाई हो सकता है ये वीक हो गई हो काफी, तो भैया इन्हें चार्जिंग की जरूरत है, तो तीन बैटरी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खराब हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई इतनी सारी बैटरी तो ठीक है। फौजी भाई कैसे बैटरी, क्या देख रहे हो, नींद आ रही है, नींद आ रही है, वाह
क्या हैंडसम लग रहे हो। चलो भाई। हाँ तो भाई साहब, नुकसान तो हुआ लेकिन कम हुआ। तो भैया थैंक यू सो मच गाइस, सब कुछ आपके सपोर्ट से हुआ है। और भैया जरा कैमरे को सेट कर लेते हैं, हमारी आधी जिंदगी तो गाइस कैमरे सेट करने में निकल जाएगी। कोई हमसे सेट तो होता ही नहीं, तो हम कैमरे सेट कर लेंगे। हाँ तो गाइस सोचा था कि भाई आपको भी दिखा दूं, आपको बता दूं कि भाई कैसे कैसी दिक्कत आती है। भाई कभी प्रोजेक्ट हम कोई बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, भाई रियलाइज यार कोई फेक नहीं है। जैसे भी गाइस है आपके सामने है जो भी है, भाई फेक बना के यार मतलब साबित भी करना चाहते हैं, समझ नहीं आती मेरे को। भाई अगर आप सच्चाई बता दोगे, यूट्यूबर सच्चाई बता देंगे तो भाई लाइक तो फिर भी कर दोगे। जो गाइस आप जानते हो भाई ईमानदारी की तो कीमत है ही नहीं कोई, तो वो तो भाई प्राइसलेस है, मतलब कि अनमोल है भाई। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को, अरे वाह एक बार और रिवर्स, तो प्लीज दोस्तों को लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को। और अगर आपको मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज दोस्तों बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।